धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के कई गांवों और शहरी क्षेत्रों में बरसात के पानी के कारण लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। हालात ये हैं कि अब विभिन्न राजनीतिक दलों के नुमाइंदे और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि इन जलग्रस्त हुए क्षेत्रों में सेवा भाव से सहायता सामग्री वितरित करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा भी इन बरसात प्रभावित क्षेत्रों में अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दौरा करते हुए राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। उन्होंने शांतिनगर, दीदारनगर, आजाद नगर व अन्य कई वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को धीरज बंधाया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सब एक हैं और सबका उद्देश्य मानव सेवा है। उन्होंने कहा कि पंजाबी धर्मशाला में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति रह सकता है। पंजाबी धर्मशाला में वर्षा प्रभावित लोगों के रहने और खाने पीने की उचित व्यवस्था की गई है। आज हमारा जो शहर के निदारनगर, शांतिनगर, सरस्वती कॉलोनी, आपका ये मौन वशिष्ठ कॉलोनी, कीर्ति नगर आज पानी की चपेट में है और मैं शहर के हर वासी से, हर सामाजिक संस्था से अपील करूंगा, क्योंकि मानवता का काम है मानव के काम आना, इसलिए सब इनकी मदद करें बगैर किसी धर्म जाति राजनीति से ऊपर उठकर। आज जरूरत यही है कि इन लोगों को मुसीबत में इनकी मदद करें। देखिए, ये अगर समय रहते नालों की सफाई हो जाती, ड्रेन्स के बंद बांध दिए जाते तो ये दिन ना देखने पड़ते। पहले दिन जो पानी आया 10 फुट की दरार थी, वो अगर उसी समय बंद कर दी जाती तो ये दिन ना देखने पड़ते। परंतु वो बातें बाद की हैं कि किसका कसूर था। पहला स्टेप यही है कि आज लोगों की मदद की। क्या सामाजिक रूप से आपकी सभी संस्था जुड़े, क्या कह रहे हैं? मैं तो यही है, सभी संस्थाओं से कहूँगा, अपील करूँगा। और क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में एक ही छत है, ऊपर चढ़ नहीं सकते, उनके रहने के लिए भी कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ी धर्मशालाएँ हैं। कहीं भी जाएँ, पंजाबी धर्मशाला भी मैंने इंतजाम करा दिया, रहने का भी, खाने का, कोई रह सकता है। परंतु हम सभी नागरिक से एक अपील करते हैं कि इसमें सबकी मदद की, मानवता का, मानव का धर्म यही।